चलिए एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं पंकजदास साहब का. यू नो वन ऑफ दोज लेजेंडरी सिंगर्स जिनके बारे में हम हमेशा सोचते हैं और उनको सुनते हैं, उनको देखते हैं, बट उनको मिलने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है और बहुत कम वक्त मिलता है. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ऑल आर हियर टुडे बिकॉज यू गेट टू सी हिम इन पर्सन एंड ऑफ कोर्स यू गेट टू टेक पिक्चर्स विद हिम. हाउ अबाउट दैट इन इट. ऑलराइट, तो चलिए हम शुरुआत करेंगे. विल डू अ क्विक क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड उसके बाद विल गेट ऑन विद आवर प्रोग्राम. All right, we will start with our media people here. I know we have Soch News. We'll give you guys an opportunity to ask the first question. And let's just stick to questions about his tour only, please. Hello. My name is Neelam and I'm from Soch News. सबसे पहले तो आपका हमारे शहर में बहुत बहुत स्वागत है. आपके कल कॉन्सर्ट का सबको इंतज़ार है, लोग बेचैन हैं. So once again, welcome in our Dallas. आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगी, जो आप गज़ल की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, आज बॉलीवुड में गज़ल अपना मुकाम खोती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं आप सबको मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार. इट्स इंडीड अ प्लेजर कमिंग टू डैलस अगेन. I have some fond memories of Dallas and I've been coming to this wonderful city for many years now, more than 3 decades actually. And I've had some amazing concerts in this city and I certainly look forward to a wonderful concert tomorrow for sure. जहाँ तक आपने जो बात की फिल्मों में गजल की, तो आई थिंक इट वॉज दी अर्लियर ईयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा, 50s, 60s, 70s. उस दौर में एक तो सबसे अहम, सबसे जिसको कहें कि महत्व का कारण ये था कि हमारी जो फिल्में बनती थी उस दौर में, उन फिल्मों की जो जबान थी, उन फिल्मों के डायलॉग्स थे, देवर इन हिंदी एंड उर्दू. तो जाहिर है कि पूरा जो कम्युनिकेशन था उन फिल्मों में वो हिंदी उर्दू में होता था. और उसी हिसाब से उस फिल्म के प्रोड्यूसर्स, उस फिल्म के डायरेक्टर, ये सारे टेक्निकल पीपल इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग द फिल्म वर आल्सो वेल वर्स्ड विथ हिंदी उर्दू. तो उनकी सोच ये होती थी, उनकी डिमांड ये होती थी कि गाने ऐसे होने चाहिए कि जो जिसमें मीनिंग हो, जिसमें शायरी हो, जिसमें पोएट्री का एलिमेंट हो. और इस वजह से बहुत सारे हमारे बड़े बड़े महान संगीतकार जैसे कि मदन मोहन, रोशन, शंकर जी किशन, नौशाद, सलील चौधरी, एस डी बर्मन, ये सारे जो बड़े संगीतकार थे, उन्होंने कहीं ना कहीं गज़ल का इस्तेमाल किया, फिल्मों में गज़लों को दिया. बल्कि मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि उन म्यूज़िक डायरेक्टरों में इतनी टैलेंट थी उस दौर के, दे वर सो टैलेंटेड एंड दे वर सो कॉन्फिडेंट. एक किस्सा है मदन मोहन जी का कि एक फिल्म बन रही थी और उस फिल्म में एक बहुत ही रोमांटिक सिचुएशन थी और मदन मोहन साहब को कहा गया कि आप एक रोमांटिक गाना कंपोज करिए. तो मदन मोहन साहब ने एक गाना कंपोज किया, रोमांटिक, बहुत ही रोमांटिक गाना, और वो गाना डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को सुनाया. तो दोनों डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कहने लगे कि सर ये तो रोमांटिक गाना है और आपने जो कंपोज किया है वो तो गज़ल है, वो तो बहुत स्लो है, वो रोमांटिक जो सिचुएशन हम चाहते हैं फिल्म में वो गाना कैसे चलेगा. बट मदन मोहन हिमसेल्फ वॉज सच अ टैलेंटेड मैन दैट ही टर्न अराउंड एंड सेड के आई विल गिव यू अ गारंटी कि ये गाना
चलेगा और सबसे ज्यादा चलेगा. और अगर ये गाना नहीं चले तो आई विल लेट गो ऑफ माय फीस. सो आखिर में बहुत बहस के बाद वो गाना रिकॉर्ड हुआ, वो फिल्म रिलीज हुई और उस फिल्म का वो गाना सबसे ज्यादा चला. वो गाना एक्चुअली आइकॉनिक सॉन्ग बन गया. दैट सॉन्ग वॉज आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे. तो ये दिस वॉज द लेवल ऑफ टैलेंट, दिस वॉज द लेवल ऑफ क्रिएटिंग म्यूजिक. आज के इस दौर में मैं समझता हूँ कि देर इज नो शॉर्टेज ऑफ टैलेंट. लेट मी टेल यू, देर इज सो मच ऑफ टैलेंट ऑल अराउंड. आप देखते ही हैं टेलीविजन पे बहुत सारे शोज आते हैं और बहुत सारी बातें होती है. एंड यू सी होल लॉट ऑफ यंग बडिंग आर्टिस्ट आर सो वेरी टैलेंटेड. लेकिन जिस तरह की फिल्में बन रही हैं इस दौर में और जो लैंग्वेज फिल्म की है, वो लैंग्वेज अब ऐसी हो गई है कि जिसमें बहुत थोड़ी हिंदी है, ज़्यादा इंग्लिश है, उर्दू तो है ही नहीं मेरे ख्याल से. तो उस हिसाब से और उस वजह से मैं समझता हूँ कि फिल्मों में ओवरऑल गज़लों का इस्तेमाल कम हो गया है. मैं तो उम्मीद ही कर सकता हूँ कि आने वाले सालों में फिल्मों में गज़लें फिर से आएं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि गज़ल में जो असर है, जो इम्पैक्ट है, वो शायद दूसरे गानों में उतना असर नहीं है. और यही वजह है कि गज़ल फिल्मों के लिए बहुत ज़रूरी है. Thank you very much. Next we have Amber Jamal from ARY. Hello, good evening and welcome to Dallas. I'm Amber from ARY US and Canada. Mera question aapse ye hai ki aap jab jitni soulful singing karte hain and you have won so many awards, beautiful name of all the albums, to aap ka kya inspiration hota hai when you sing, like what really inspires you as a musical artist, as a singer? खैर, मैं बचपन से गज़लों का शौकीन रहा, बहुत छोटी उम्र से. और मैंने गज़ल सुनना शुरू किया मरहूम बेगम अख्तर को सुन के. शी वॉज़ वन ऑफ आर रेवोल्यूशनरी आर्टिस्ट, शी वॉज़ अ पायनियर इन द फील्ड ऑफ गज़ल सिंगिंग. और उनका गाना मैंने सुना और उनको सुन के मैं बड़ा हुआ. तो आई थिंक शी वॉज वन ऑफ दी वेरी वेरी बिग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एज फार एज माई गज़ल सिंगिंग इज कंसर्न. और उसके बाद मैं समझता हूँ कि दिस पर्टिकुलर जॉनर, दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ म्यूजिक, इसकी खूबी ये है कि इसमें मौसीकी भी है, इसमें शायरी भी है, इसमें गायकी भी है. सो आई पर्सनली फील दैट दिस इज वन जॉनर वेयर इट्स कम्प्लीट. यानी आप जो चाहते हैं वो उसमें है, मौसीकी भी है, शायरी भी है, गायकी भी है. और यही वजह है कि गज़ल को मैंने हमेशा अहमियत दी, गज़ल को मैंने हमेशा आई गेव गज़ल प्रायोरिटी. एंड इवन टुडे आई थिंक गज़ल रिमेन्स माई प्रायोरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रीत. स्वागत है आपका यहाँ पे और आपको पद्मश्री से नवाजा गया है. मैं आपको मुबारकबाद दूंगी. वेलकम टू डैलस पंकज जी. मैं बस इतना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछूंगी आपसे. जैसे आजकल जितने भी गायक हैं वो हर तरह के गाने गा रहे हैं, चाहे गज़ल हो या कुछ और जोनर का गाना हो. एंड आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन हियर, लाइक Did you ever think of getting into indie pop thing, style of गज़ल के style में indie pop, you know, थोड़ा सा. लेकिन कई गायक हो रहे हैं जो इस तरफ जा रहे हैं क्योंकि remix का ज़माना है. So that's the question. Thank you, sir. Well, I maybe I belong to a conservative era and still not gathered courage to do that, but मेरे गज़लों के और गाने के रिमिक्सेस बहुत हुए हैं जो दूसरे ने गाए हैं, मैंने नहीं गाया. और मैं समझता हूँ कि
I'm still very happy with my traditional version of singing, and I think I'll continue doing that. Absolutely. We like it that way. Anjali. Pankaj ji, main aapka hardik swagat karti hu. Mera naam Anjali hai. Aur aap yahan par aaye hain, aapne bahut jagah pe show gaye kare hain, like mere friends bhi gaye hain. Aapka sold out gaya, California mein bhi aapke do show hue. To bahut acha laga sunke. और मैं थोड़ी पुराने ज़माने की हूँ और मैंने जब शेयर करा तो मैंने आपकी चिट्ठी वाला वो गाना सबको शेयर करा यूट्यूब पे, ऐसे लगा कि हम भी उसी हॉल में बैठे हैं और आप चिट्ठी वाला गाना गा रहे हैं, आंखों में आंसू आ गए कि चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है. तो वो गाना जब भी सुनते हैं पंकज उदास जी का नाम हमेशा होता है, लाइक यू नो. तो अभी आप क्या दिखाएंगे, लाइक यू नो, कल हम आपके शो का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, हर जगह सोल्ड आउट किया है. तो हम भी चाहते हैं कि आप भी हमें कुछ दिखाइए. जी कल बिल्कुल, आप आई एम श्योर यू कमिंग फॉर द कॉन्सर्ट टुमारो. मेरी कोशिश यह रहेगी कि मैंने कुछ जो अभी तक प्रोग्राम्स हुए तो मैंने वहाँ से आई हैव ट्राइड टू फिगर आउट एज टू व्हाट पीपल वांट टू लिसन टू एंड व्हाट ऑल दे वांट मी टू सिंग. तो मैंने कुछ मेरी पसंदीदा गज़लें, कुछ सबकी फरमाइशें, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके आई हैव क्रिएटेड अ प्रोग्राम, अ कॉन्सर्ट. एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा जो मैंने प्रोग्राम कॉन्सर्ट किया है. एंड विच विल बी अ मिक्स ऑफ सम न्यू वंस, सम ओल्ड वंस, एंड सर्टेनली सम ऑफ योर फेवरेट्स. मैंने पंजाबी जबान में मैंने गाया है ज़रूर, लेकिन मैंने आई हैव नॉट टेकन इट अप ऑन अ फुल स्केल के पंजाबी ऑन स्टेज. ओके, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा ज़रूर. श्योर, थैंक यू. थैंक्स फेथ, श्योरली वी डन. All right, well, that will conclude that. This is the Bindaz Media team who's bringing Pankaj Das Sahab. So let's give them a round of applause. And let's Jay Singh Sahab yahan par. He's been traveling with Pankaj Das Sahab and he's an amazing, amazing person himself. Kuch kehna chahenge ab tour ke baare mein? Do line. Dallas ka thank you karna chahenge. Jab bhi aate hain, pyar bahut milta hai. Lekin Pankaj ji ke tour ka main aapko thoda sa apna personal jo एहसास हुआ है वो ये है कि लोग कहते हैं हमें जगह जगह पे मिलते हैं, यार ऐसे सिंगर लेके आया करो. तो फिर बिजनेस तो हम इसको एज ए प्रोफेशन तो लेके आते ही हैं, लेकिन बाद में जब लोग कहते हैं ना यार थैंक यू आपका, आप ऐसे सिंगर लेके आया करो, तो कुछ और ही एहसास होता है, फीलिंग्स आती है ज़्यादा. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे सिंगर आपके शहर में आए हैं, हमें लाने का मौका मिला है, और मार्विन बैठे हैं, रिक भाई साहब बैठे हैं, पीट साहब बैठे हैं, तो इन्होंने उपराला किया है और यहाँ पे सारा आपके लिए प्रबंध किया है, आप इनको सहयोग दीजिए. तो आज आपके पास सब लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोलिए कि कल को शो है और आइए. तो आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया. यस, मेहरबानी. अब मैं रिक साहब, मार्विन और पीट साहब को बोलूँगा कि इन्होंने शो किया है ये, इनको कैसे हुआ कि हम पंकज दास जी का शो करें? It feels really great, and it's an honor to have Pankaj ji here in Dallas, and I would like to thank everybody for the support and love, and thank you guys, and hope to see you all tomorrow. Mr. Pankaj Das Bhai, welcome to Dallas Fort Worth. My name is Pete Prasad, and through Bindaz Media, we are sponsoring this event for Mr. Das for his excellent rendition of his melodious voice and his lyrics to the community of Dallas Fort Worth. I just want you to take 2 minutes of your time and for you all to know who I am, where I'm from, and also a journey I have been doing for the last couple of years.
My forefathers came from North India back in 1840. About 250,000 of Indians from India, and they migrated to Guyana, South America. It was known as British Guyana. It became independent in 1966. We followed the tradition of Hinduism in Guyana to my father, who was a Hindu minister, priest, for 70 years. I was always passionate about music, Indian music, the Hindu culture, from birth. And as I journeyed to the United States, I have a few kids who were born in the United States, and I made a journey back to India to my son. So I have completed the circle from my forefathers to back to India in terms of the heritage of individuals. We're in this world together as multicultural folks, one heart, red blood, no matter what the color of your skin is, we have to unite. And through the religious voice and the lyrics of Pankaj Das, music is universal language. So we have to make sure we make one multicultural in this world, one love in this world. I want to thank Mr. Rick Kulur for the opportunity, Mr. Marvin, Monica, and my family. My beautiful wife, Jayasati Prasad, is next to me here. And Ms. Udas, thank you very much. We're going to have a fantastic concert tomorrow. Mr. Jai Singh, my friend, how are you? Doing good. Well, you all enjoy the meet and greet Mr. Udas for the evening, and let's have a beautiful concert tomorrow. It's going to be spectacular. Thank you all very much. I think, Monica, before we sign off, I would certainly like to say that, which I should have said right in the beginning, but I'd like to express my gratitude. Ahmed Faraz ki ek ghazal maine gayi thi, aur us ghazal ke do sher mujhe yaad aa rahe hain. Faraz sahab ne kaha tha ke kathin hai raah guzar, थोड़ी दूर साथ चलो कठिन है राह गुजर थोड़ी देर साथ चलो बहुत कड़ा है सफर थोड़ी दूर साथ चलो उसमें आगे कहा था फराज साहब ने कि तमाम उम्र कहां कोई साथ देता है तमाम उम्र कहां कोई साथ देता है ये जानता हूं मगर थोड़ी दूर साथ चलो तो मैं खुशकिस्मत हूं कि थोड़ी दूर का नहीं मुझे आप सब का बहुत लंबा साथ मिला है आपने पिछले 40 सालों में इतना प्यार और इतनी मोहब्बत दी है कि मैं आप सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और जितना आपका शुक्रिया अदा करूं उतना कम है यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले सालों में आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे और आपकी जर्रा नवाजी इसी तरह से मिलती रहे शुक्रिया ये मैं बताना चाहता हूं कि ये आज जो आपके यहां हम बैठे हैं सब लोग तो पंकज जी यहां आए हैं तो ये उपराला मार्विन का है इसने मेरे को कॉल किया कि पाजी पंकज दास जी का शो मेरे नाम पे लिख दो मैं क्या ठीक है ये कह के मुझे तो इंडिया चला गया तो मैंने इसको कॉल किया इंडिया में भाई आना तूने वापस के नहीं ये कहते बस अब शो हमारा है तो फिर बाद में पीट साहब और रिक साहब ने साथ में मिलके ये शो का प्रारंभ किया मैं बोलूंगा मार्विन साहब को कि दो मिनट साहब का थैंक यू वेलकम एवरीबॉडी थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी वी आर गैदर्ड हियर फॉर अ वंडरफुल आर्टिस्ट अ लेजेंड हु इज हियर इन डैलस एंड टुमारो ही विल बी परफॉर्मिंग सो डू स्प्रेड द वर्ड लेट पीपल नो एक ही बात कहना चाहूंगा कि दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट एनी वन ऑफ यू सो यू हैव यू गाइज आर द वंस दैट मेक अस एंड जो भी हम आगे करेंगे उसमें भी आपकी सपोर्ट चाहते हैं दिस इज जस्ट अ स्टार्ट ऑफ कोर्स विदाउट द सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी लाइक इंडिया बाजार हु हैज बीन सपोर्टिंग अस राउट 66 एंड फोर पॉइंट्स बाय शेरटन अरुण जी दीज आर ऑल आर स्पॉन्सर्स सो इफ यू एवर नीड टू डू एन इवेंट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट्स इन टाउन एंड ऑफ कोर्स इंडिया बाजार इज द बेस्ट स्पॉट फॉर ग्रोसरीज दैट एवरीबॉडी नोज सो I'd like to thank everybody. Unki support ke saath hi hum log yahan tak aaye hain aur aage bhi jayenge.
So once again, thank you, Rick. Thank you, Pete, Monica, Jai Saab, the trust that you put in, and of course, Neeraj Dhar Saab, we go a long way back. So thank you very much. And with that said, let's enjoy the food, and we'll all see you tomorrow. Jai Saab. Yeah. Thank you, everybody. Sab log, koi bhi aisi mehfil hoti hai jahan koi legend baithe ho, famous personality baithi ho, to log kehte hai, yaar, photo to hui nahi, maja nahi aaya. तो अभी आपको ये बेनती करूँगा, गुजारिश करूँगा कि फैमिली बाई टेबल फैमिली बाई सबकी हो जाएगी. लेकिन जैसा आपको बताऊँ कि पंकज साहब ने कभी अपने आप ऐसे कोई शेर या कुछ नहीं सुनाया, ये कहते हैं कल सुनाएंगे. तो लगता है कि आपकी ये संगत और ऐसे अच्छे मैनर्स वाले लोग देख के इनका दिल कर गया, मैं यही बोलूँगा. इट्स अ ब्यूटीफुल महफिल. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे टेबल को थोड़ा आगे करते हैं, इसी यहीं पर आके इधर से फोटो आते होते एक एक टेबल आके, तो इधर अपना फिर खाना लेते रहो. ठीक है जी, थैंक यू सो मच. ऑल राइट, थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन.